नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। गुजरात के रहने वाले जितेश कुमार ने दुबई में 1 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज को छोड़ जैन सन्यासी होने का मन बना लिया। शिवपुरी में आयोजित दीक्षा के मुहूर्त कार्यक्रम में जितेश कुमार ने बताया है कि दीक्षा 30 मई को उत्तर भारत में होगी और तभी पूर्ण रूप से वह जैन धर्म के सन्यासी बन जाएंगे। जितेश कुमार का कहना है कि उनके मन में शुरुआत से ही जैन सन्यासी बनने की इच्छा थी और अपनी इच्छा को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जो अब पूरा होने जा रहा है। जितेश कुमार ने बताया है कि वह अपने परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं और भौतिक सुख कभी पूरा नहीं होता है। जितेश कुमार दुबई में एक कंपनी में 1 करोड़ रुपए के पैकेज पर जॉब करते हैं और उस जॉब को छोड़कर वे पूरी तरह जैन धर्म के सन्यासी बनकर सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जितेश कुमार के जैन सन्यासी बनने पर उनके परिजनों का भी पूरा सपोर्ट है और परिजन खुश हैं। इस दौरान जितेश कुमार के जैन सन्यासी बनने पर उनके परिजनों का भी पूरा सपोर्ट है और परिजन खुश हैं। इस दौरान जितेश के परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू झलकते देखे जा सकते हैं। समाचार रेडियो जेट के लिए शिवपुरी से साबित खान की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेश कुमार भाईचंद खोना है। अच्छा महाराज जी, आज आपने दीक्षा ली है? नहीं, आज मुझे दीक्षा का मुहूर्त मिला है। मेरी दीक्षा 30 मई 2021 को होने वाली है उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया में। एक ख्याल कहाँ से आया कि आपको सब छोड़ गए उसमें? एक बचपन के अंदर समरादित्य महाकथा नाम की एक पुस्तक पढ़ी थी और उस पुस्तक से ही एक वैराग्य का भाव जागृत हो गया था, जो धीरे 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 बढ़ता गया। और साथ में परिवार की भी एक रजामंदी चाहिए, जो रजामंदी नहीं मिल रही थी क्योंकि एक सांसारिक जवाबदारी भी हमारी होती है। तो लास्ट ईयर बड़े भाई की शादी हो गई और पापा ने भी अनुमति दी कि अब तुझे जो तेरी यात्रा पे निकलना है, इस यात्रा पे तो निकल सकता है। तो बस मैंने मेरे सारे सांसारिक कार्य, जो एक बेटे की जिम्मेदारी जो होती है, वो मैंने सारी पूर्ण की और मैं संयम संसार त्याग करके संयम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। आप जॉब करते थे दुबई में, इतना बड़ा अचीवमेंट, लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट छोड़ दिया, तो आगे क्या दिल में चल रहा था आपके? क्या मतलब कसक थी कि आपको कुछ कर, आपको इसी राह में निकलना है? जी, तो मुख्य यह कहना है कि हम जिस सुख के लिए दौड़ते रहते हैं वो हमारा सुख पदार्थों का सुख होता है, वस्तुओं का सुख होता है, लेकिन वो सुख हमें संपूर्ण सुख नहीं दे सकता है। वह सुख तब तक सुख दे सकता है जब तक उस वस्तु से नया मॉडल ना आए। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि आईफोन 11 के अंदर मुझे सुख लग रहा है, तो वह तब तक का सुख होगा जब तक आईफोन 12 नहीं आएगा। ऑडी में सुख लग रहा है मुझे, तब तक सुख होगा जब तक मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं आएगा। अगर ऑडी रोल्स रॉयस आ गई तो ऑडी का सुख चला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि संसार के जितने भी हमारे सुख के जो स्रोत है वो वस्तुओं के अधीन होते हैं, जबकि संयम का जो सुख होता है वो स्वाधीन सुख होता है। संसार का सुख पराधीन होता है और संयम का सुख स्व का होता है। संसार के सारे सुख दुख से भरे हुए रहते हैं, जबकि संयम का सुख स्व का सुख होता है। तो सभी जगह से स्टडी करते करते और आत्ममंथन करते 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 यह भाव बहुत ही आगे बढ़ा और फाइनली मुझे बस आज के दिन अनुमति मिल गई है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज तिथि और डेट भी दे दी है कि कौन सी तारीख को मुझे वह भगवती प्रवज्ञा मुझे मिलेगी, जिस पथ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आदर्श पथ। इस पथ के ऊपर मैं 30 मई 2021 को प्रस्थान करूंगा। इसमें परिजनों का कितना आपके साथ सपोर्ट सहयोग है? ये जी, सारे के सारे परिजनों का बहुत सहयोग है। मेरा पूरा परिवार आज इस यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आया हुआ है। माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहनें, दोनों भाभी इत्यादि, सारे के सारे जीजाजी, बच्चे, सारे के सारे आए और सभी ने सहर्ष सम्मति दी है कि तू मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़।